नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। यूपीएससी सीएससी रिजल्ट का दिल थाम कर इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार आज खत्म हो गया। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से यूपीएससी मेंस 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। वहीं दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान और तीसरे नंबर पर डोनुरु अनन्या रेड्डी रही। चौथे स्थान पर पीके सिद्धार्थ राम कुमार, जबकि पांचवें स्थान पर रूहानी है। आपको बता दें कि इस साल 1016 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है। पिछले साल उन्हें 236वीं रैंक हासिल हुई थी और उन्हें आईएएस ना मिलकर आईपीएस मिला था, लेकिन वो हमेशा से आईएएस ही बनना चाहते थे। इस बार उन्होंने फिर से अपनी किस्मत को आजमाया और इस बार उन्हें पहली रैंक मिली है। आदित्य श्रीवास्तव वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस के पद पर कार्यरत है। उनके पिता अजय श्रीवास्तव सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट में एएओ के पद पर कार्यरत हैं। आदित्य का बचपन लखनऊ में गुजरा है। 12वीं तक उन्होंने लखनऊ में पढ़ाई की, उसके बाद 12वीं पास करने के बाद आदित्य ने IIT कानपुर से BTech किया और कुछ दिनों के लिए आदित्य ने एक MNC में भी काम किया, पर प्राइवेट नौकरी आदित्य को रास नहीं आई और उन्होंने ये सब कुछ छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। आदित्य ने कहीं से कोई भी कोचिंग नहीं ली है। टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू को छोड़कर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी नहीं ली, लेकिन उसके बाद भी पिछले साल आदित्य ने आईपीएस क्रैक किया, जिसमें उनकी रैंक 236 थी। लेकिन ये रैंक और ये पोजीशन उनके मन लायक नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोबारा तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद इस साल अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने फिर से यूपीएससी क्रैक करके नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। यूपीएससी की इन परीक्षाओं में कुल 180 उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए चुने गए हैं, 200 उम्मीदवार IPS के लिए चुने गए हैं और 37 लोगों का IFS के लिए सिलेक्शन हुआ है। वहीं 613 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग ग्रेड ए के पदों पर किया गया है। वहीं 113 कैंडिडेट ग्रेड बी पद के लिए चुने गए हैं। बता दें कि यूपीएससी एग्जाम का इस साल का लास्ट इंटरव्यू 9 अप्रैल 2024 को हुआ था। IAS के लिए इंटरव्यू 4 जनवरी से शुरू हुए थे और 9 अप्रैल तक चले। वहीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पिछले साल 28 मई को हुए थे। क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 15, 16, 17 और 24 सितंबर को सेकेंड राउंड के एग्जाम रखे गए थे। परीक्षा में शामिल कैंडिडेट अपना रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर चेक कर सकते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।